तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हमारी आज की कहानियाँ बेहद ही अच्छी और डरावनी भी हैं। बस मैं आपसे उम्मीद करूँगा इस कहानियों को ज़रूर पूरा सुने। बाकी अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए बस जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम ऋषभ है। मैं उत्तराखंड में देहरादून का रहने वाला हूं और ये वाक्या मेरे साथ 2020 में लॉकडाउन के समय हुआ था। उस टाइम पर मेरी पूरी फैमिली अपने गांव चली गई थी क्योंकि पहाड़ों पर कोरोना इतना ज़्यादा नहीं फैला हुआ था और तो और वहाँ कोई ऐसे ज़्यादा कानून भी लागू नहीं थे। दोस्तों अगर मैं आपको अपने विलेज के बारे में बताऊँ तो जो हमारा गाँव है वो एक नदी के पास पहाड़ के नीचे है, प्लेन सरफेस में। और जो हमारा घर है वो गाँव से थोड़ा दूर है। हमारे घर से एक पतला रास्ता जाता है सीधा हमारे गांव की तरफ। हालांकि वो बहुत छोटा रास्ता है, ऐसा मानो कि जैसे एक बारी में एक आदमी खड़ा हो सकता है, इतना पतला रास्ता। खैर अब मैं अपनी स्टोरी पर आता हूँ। ये तकरीबन जुलाई या अगस्त की बात होगी। एक शाम को माँ, मेरा भाई क्रिश और मेरे ताऊजी का लड़का शानू, हम लोग शाम को घूमने के लिए गाँव जा रहे थे। मेरे साथ कोई बड़ा नहीं था और वैसे भी गांव और घर का रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ यही कोई 10 मिनट का होगा। मेरा कज़न ब्रदर सानू वहीं पर रहता था। हम ठीक घर से 5:30 बजे के करीब निकले तो जब हम जा रहे थे तो रास्ते के बीच में एक छोटा सा जंगल पड़ता है। वैसे कुछ खास घना तो नहीं था पर जंगली एरिया था, वहाँ आसपास किसी के घर भी नहीं थे। चलते चलते रास्ते में हमें बहुत सारे बंदर मिले जो कि शायद रोज़ वहीं पर रहते थे। खैर जब हम गांव पहुंचे तो हम 2 घंटा वहीं नदी के आसपास बैठे रहे। समय का पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। थोड़ी देर बाद हम वहां से घर की तरफ वापस जाने लगे। उस वक्त मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था तो मैंने अपने भाई को बोला कि तू किसी को कॉल कर जो कि हमें लेने आ जाए। कृष्ण ने कहा कि कॉल क्या करनी, हम खुद से चले जाएंगे, कौन सा रास्ता बहुत लंबा है, मुझे पता है तू डरता है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। दोस्तों वो मेरा मजाक बनाने लगा। चलते चलते मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वो ये कि उसी पेड़ पर जहाँ अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे बंदर थे, उस वक्त वहाँ एक भी बंदर नहीं था। मैंने ठीक ये बात अपने भाइयों को बताई, तब उन्होंने कहा कि अपने घर चले गए होंगे, तू ये सब छोड़ चलता रहे। थोड़ा आगे बढ़े कि अचानक हमें गढ़वाली भाषा में कुछ आवाज़ सुनाई थी। उस आवाज़ का मतलब मुझे नहीं पता था क्योंकि मुझे और क्रिश को गढ़वाली नहीं आती थी पर मेरे कज़न सानू को आती थी। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमसे थोड़ी ही दूरी पर एक अंकल खड़े थे जो हमें गढ़वाली में शायद कुछ कह रहे थे। मैंने सानू से पूछा कि अंकल क्या बोल रहे हैं, उसने कहा कि वो हमें अपने पास बुला रहे हैं। मैंने कहा कि चलो देखते हैं कि आखिर अंकल क्या कह रहे हैं। मेरे इतने कहते ही सानू के चेहरे के हाव भाव अचानक से बदल गए, वो बहुत डर चुका था। मां और क्रिश ने उसे डरा हुआ देखकर पूछा कि तुझको क्या हुआ, उसने डरते हुए कहा कि ये जो अंकल सामने खड़े हैं उनकी मौत 1 साल पहले हो गई थी। दोस्तों उसने इतना कहा ही था कि अचानक उस आदमी का साइज बड़ा होने लगा, वो धीरे धीरे 10 फीट से ज़्यादा लंबा हो गया। हम वहाँ से भागना चाह रहे थे लेकिन हम अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहे थे, सबके सब मानो जैसे पैरालाइज हो गए। वो आदमी हंसते हुए हमारी तरफ आने लगा। मैं आपको उसकी हंसी बता नहीं सकता कितनी डरावनी थी, यकीन मानिए मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मेरा भाई शानू हमारी तरफ देखकर बोला कि जल्दी अपने कुलदेवता का बार बार नाम लो। हम ठीक भैरव बाबा को याद करने लगे कि तभी वो अचानक से अपने छोटे साइज में आया और एकदम से गायब हो गया। उसके जाते ही हम लोग जैसे एकदम ठीक हो गए, हमारे हाथ पैर काम करने लगे, हम तुरंत ही वहां से निकलने लगे। चलते चलते आगे रास्ते में हमें एक काला कुत्ता मिला, वो भी हमारे साथ चलने लगा कि इसी बीच तभी हमें पीछे से दोबारा आवाज़ आई,
शायद उसी अंकल की। मेरा भाई सानू समझ गया था कि ये वही चीज है। उसने पीछे देखने के लिए मना किया और सीधा चलने के लिए कहा। हम पूरे रास्ते भैरा बाबा का नाम ही जपते रहे। हम जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचे तो हमारे घर के बाहर पूरा परिवार सब खड़े थे। उन्होंने हमें देखते ही डांट लगा दी और कहा कि तुम लोग कहाँ थे। माँ उस वक्त रोए जा रही थी। भाई कृष्ण ने सारी बात घर वालों को बताई। उसी वक्त कजन भाई भी बोला कि हमारे साथ एक कुत्ता भी था, वो कहाँ है। सबने इधर उधर देखा लेकिन वो काला कुत्ता कहीं नहीं था। इसके अगले दिन एक पंडित जी को बुलाया गया हमारा उतारा करने के लिए। दोस्तों तब पंडित जी ने जो बताया उसे सुनने के बाद मुझे आज भी यकीन नहीं होता। पंडित जी ने कहा कि जिस आदमी को तुमने देखा था वो एक साल पहले ही मर चुका है और उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। अक्सर शाम होते ही बहुत लोगों ने उसे वहां पर देखा है और ठीक जिस काले कुत्ते को तुमने देखा था वो कोई और नहीं बल्कि भैरव बाबा ही थे जिन्होंने बात के रास्ते में तुम्हारी रक्षा की थी। दोस्तों आज भी मैं इस किस्से को याद करता हूँ तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी ऋषभ की कहानी। कहानी वाकई जोरदार थी। मैं उम्मीद करूँगा आपको जरूर पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स करना ना भूलिएगा क्योंकि अब मैं आपको ले चलता हूँ हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम प्रीतम है। ये 2021 की बात है। सच कहूँ तो मुझे आज भी उस बात को सोचकर डर लगता है। अभी भी इस वक्त भी उसे सोचकर मेरी रूह कांप उठती है। भगवान ऐसे किसी के साथ कभी ना करे। एक दिन मैं अपने किसी फ्रेंड से मिलने गया था। रास्ते में जाते समय मुझे हल्की ठंड महसूस हो रही थी। शाम के भी यही कोई 6 बज रहे थे। काफ़ी दिन हो चुके थे मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिले। मैंने सोचा कि आज फ्री हूँ तो क्यों ना जाकर मिल के आऊँ। मेरे घर से उसका घर 2 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं ठीक उसके घर जाने के लिए निकल गया। उसके घर जाते समय एक छोटा सा जंगल पड़ता है तो ठीक उसके अंदर से होकर जाना पड़ता है। मैं ठीक गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते सोचते खुशी से जा रहा था। उस वक्त सब कुछ ठीक था। उसके घर जाते समय एक रेल लाइन आती है, मैंने उसे भी पार किया। तब भी सब कुछ ठीक था। बस उसके बाद ही वो जंगल पड़ता है। मैं जंगल में घुसा, तब भी सब कुछ ठीक था। जंगल में कुछ देर जाने के बाद मुझे थोड़ा वॉशरूम आ गया। मैंने साइकिल रोकी और उतरकर वॉशरूम करने लगा। सब कुछ हो जाने के बाद मैं फिर से चल पड़ा। यकीन मानिएगा, मैं साइकिल पर जैसे ही बैठा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे बालों को छूकर गया हो। उस वक्त हल्का अंधेरा भी था, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। बस मैं बहुत ज़्यादा डर गया था वहाँ पर। मुझे लगा कि अचानक ये हुआ क्या, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं ठीक डरते डरते आगे की तरफ जाता रहा। मुझे काफ़ी डर लगने लगा। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई है। मैंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। मानो ऐसा हो गया था कि जैसे अभी मेरे प्राण बाहर निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करते हुए आगे बढ़ता रहा। उसी बीच अचानक से मुझे ऐसा सुनाई दिया कि जैसे कोई चिल्ला रहा हो। मैं जैसे तैसे राम राम करते हुए जंगल से कुछ ही दूर निकला। इसके बाद मैंने तुरंत फोन किया। उसने कहा उसे आने में 10 मिनट लगेंगे। मुझे कुछ देर वहीं पर रहना पड़ा। मैं वहीं आसपास थोड़ी दूर जाकर, एक लाइट थी ठीक रास्ते के पास, वहां जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में गर्लफ्रेंड और उसके पिताजी मुझे लेने आए। उनके आने के बाद मैंने अपने साथ घटी सारी घटना को खुल के बयां करा। उन्होंने कहा कि आज अमावस्या की रात का दिन है, तुम्हें आज नहीं आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें आना था तो सुबह ही आ जाते या फिर मुझे पहले बता देते तो शायद मैं तुम्हें लेने आ जाता। दोस्तों मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उन्हें नहीं बताया। खैर जब मैं इसके बाद उनके घर पहुंचा तो मेरी जान में जान आई। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं रात में कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि कभी भी रात के समय ऐसे रास्तों से मत जाना। मैं दुआ करूंगा कि आप में से किसी को भी ऐसे हालातों का सामना ना करना पड़े। उस दिन मैं घर भी वापस नहीं गया। समय बीतता रहा, मैं धीरे धीरे उस बात को भूलने लगा। लेकिन कभी कभी याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। बस यही थी मेरी वो डरावनी रात। मैं
मिदनापुर से हूँ। मेरा नाम प्रीतम लाल है। वैसे मेरे पास और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसको बाद में बताना चाहूँगा। मैं बस महेश सर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरी लाइफ की एक घटना के बारे में मैं आप सबको बता पाया। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी प्रीतम की कहानी। उन्होंने बताया कि किस तरह जंगल के रास्ते से चलते चलते उनके साथ ये वाक्या हुआ। खुशी इस बात की है कि उनके साथ कुछ हुआ नहीं। दूसरा, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर जंगल के रास्तों से हमें नहीं जाना चाहिए। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। मेरा नाम कुणाल सिंह है। मेरा गांव सांगापुर डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर का रहने वाला हूं। और ठीक ये कहानी गांव के एक अंकल के साथ घटी है। मेरे अंकल एक बार अपने मौसा के यहाँ गए हुए थे। उस वक्त उनके साथ उनके दोस्त लोग भी गए हुए थे। कुछ दिनों बाद उनके मौसा जी उन लोगों से कहने लगे कि बेटा, हमारे यहाँ एक बड़ा सा ब्रिज है, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, बस तुम लोग वहाँ कभी मत जाना, वो जगह ठीक नहीं है। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद मेरे अंकल और उनके दोस्तों ने इस बात को हवा में लेकर एक बड़ा सा प्लान बनाया। सोचा कि चलो हम लोग वहाँ चलते हैं और देखें कि आखिर ऐसी क्या बात है, आखिर कोई वहाँ क्यों नहीं जाना चाहता। लेकिन अंकल ने उन्हें समझाया कि अगर मौसा जी मना कर रहे हैं तो वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूर कोई ना कोई तो बात होगी। दोस्तों ने कहा कि हाँ, कोई तो बात है, चलो पता लगाते हैं। इसके बाद वो जोर जबरदस्ती करके अंकल को मना कर ले गए। रास्ते में उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो लोग पीछे मुड़कर देखते तो हर बार वहां कोई नहीं होता। वो लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा जो कि भाग गया। जब वो ठीक ब्रिज के नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रिज की थोड़ी ही दूरी पर कोई खड़ा है। सबके सब ये सोचने लगे कि इतनी रात को 11 बजे यहाँ कौन हो सकता है। सबके सब जैसे ही उसके करीब जाने लगे तो उन्हें इतना एहसास होने लगा कि वो जो कोई भी है वो धीरे धीरे और अंदर की तरफ जा रहा है। कुछ ही पलों में वो परछाई या फिर वो जो कुछ भी था वहाँ से गायब हो गया। उस वक्त अंकल के सारे दोस्त बेहद डर गए। सबने कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं, ये जगह सच में ठीक नहीं है। इसके बाद सबके सब वापस आने लगे। वो लोग ठीक जहाँ पर रुककर देख रहे थे कि उनके पीछे कौन है, ठीक उसी जगह पर वो परछाई वहाँ फिर से आ गई। मेरे अंकल तो डर के मारे वहीं बेहोश हो गए। उसी बीच पता नहीं कहाँ से एक आदमी वहीं से गुजर रहा था। वो ठीक रुककर पूछने लगा कि इसको हुआ क्या है जो कि नीचे गिर गया। सबने कहा कि दोस्त है हमारा और हम यहाँ ये पता लगाने आए थे कि आखिर बात क्या है, आखिर कोई क्यों नहीं आता यहाँ पर। उस आदमी ने कहा कि यहाँ पर आना इसीलिए मना है क्योंकि ये जगह भूतिया मानी जाती है। यहाँ पर ठीक उस ब्रिज से एक लड़की ने कूदकर जान दी थी। बाकी आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ, और हाँ, आगे से वहाँ कोई नहीं जाना, वरना बहुत कुछ गलत हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद वो लोग फिर वहाँ कभी नहीं गए। बस हमें अब तो ऐसा लगने लगा है कि जिस इंसान ने हमारी मदद की वो कोई इंसान नहीं था, वो पक्का कोई भगवान या फरिश्ता ही था, क्योंकि इतनी रात गए आखिर वहाँ कौन आएगा, क्योंकि सबको पता है कि वो जगह श्रापित है। और तो और मेरे अंकल को तो ऐसा लग रहा था कि वो ज़रूर शंकर भगवान थे, क्योंकि मेरे अंकल और उनके दोस्त शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। उन दिनों अंकल काफ़ी समय तक बीमार भी रहे, लेकिन धीरे धीरे फिर वो एकदम सही हो गए। बाकी ये कहानी शायद इतनी डरावनी नहीं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि महेश भाई इस कहानी को अपने चैनल पर डालते हैं तो मुझे सच में बेहद खुशी होगी। सबको बता दूं कि मैं इनका एक सब्सक्राइबर हूं। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी कुणाल सिंह की कहानी। धन्यवाद तो मुझे इनका करना चाहिए कि इन्होंने एक आप बीती मेरे साथ शेयर की। बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी कहानी जरूर पसंद आई होगी। आइए मैं आपको चौथी कहानी की तरफ लेकर चलता हूं। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सानिया है।
मैं जयपुर से हूँ। ये कहानी वैसे बहुत पुरानी है पर एकदम सच है। 2018 जब मैं 8वीं क्लास में थी, मैं अक्सर ट्यूशन जाया करती थी, तो ठीक ट्यूशन वाली दीदी ने ही मुझे इस कहानी के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि उनकी नानी के यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम लोगों का ही घर है, वहाँ पर हिंदू मात्र नाम के ही रह गए हैं। उनके घर के जस्ट सामने एक ब्राह्मण परिवार रहता था। एक दिन उनकी बड़ी बेटी मेहंदी लगाए छत पर बैठी थी। न जाने क्यों और कैसे उसे बैठे बैठे ये एहसास हुआ कि शायद कोई उसे छुपकर देख रहा है। वो जब भी मुड़कर देखती तो किसी को न पाती। इसके बाद नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ कि उनकी आंख डायरेक्ट सुबह ही खुली। घर वालों ने पूछा तो उस लड़की ने बताया कि उसे कुछ भी नहीं पता, उसे कुछ भी याद नहीं। इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए घर वालों ने बात को टाल दिया। वो हमेशा बोलती रही कि मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं, मुझे ठीक से नींद नहीं आ पा रही। घर वाले सोचने लगे कि शायद ज्यादा हॉरर मूवी देखने के चक्कर में इसके साथ ऐसा हो रहा है। इसके बाद ऐसा करते करते उसकी शादी का दिन नजदीक आ गया। दोस्तों अब आप मानोगे नहीं कि जैसे ही वो अपने ससुराल में पहला कदम रखती है कि अचानक उसके साथ पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो सब कुछ इधर उधर फेंकने लगी। घर प्रवेश करना मुश्किल हो गया था। उसकी ऐसी हालत देखकर ससुराल वालों ने उसे घर वापस छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये लड़की तो पागल है। उस वक्त घर आते ही वो लड़की अजीब अजीब हरकत करने लगी। सबके सब बेहद परेशान हो गए। बेटी की ऐसी हालत देख एक बाबा को बुलाया गया। उन्होंने घर में घुसते ही बोल दिया कि ये बहुत शक्तिशाली चीज है, इसे काबू में करना मेरे बस का नहीं है। सिचुएशन बिगड़ती हुई देखते ही उसे एक दरगाह ले जाया गया। वहां जाते ही वो लड़की एकदम बेहोश हो गई। मुस्लिम बाबा ने मंत्र पढ़े और एक ताबीज उसके हाथों पर बांध दिया, ये कहकर कि उसे उतारे ना। सब कुछ करने के बाद पता चला कि वो एक जिन्न की आत्मा थी जो उस लड़की को किसी का नहीं होने देगी। साथियों आज भी वो लड़की पूरी तरह सही नहीं हुई है। रातों में नींद में चिल्लाना, ठीक से सो नहीं पाना, ये सब आज भी उसे सहना पड़ता है। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अक्सर हमें बड़े लोगों की बात मान लेनी चाहिए। ऐसे मेहंदी लगा के बाल खोलकर शाम के समय नहीं बैठना चाहिए। अक्सर ऐसा करके कहीं चौराहे पर भी नहीं रुकना चाहिए। क्या पता कब किसके साथ इससे भी बुरा हो जाए। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी सानिया की बताई हुई कहानी जो कि जयपुर में रहती है। दोस्तों आपने इस तरह के किस्से पहले भी सुने होंगे और अक्सर ऐसे केस में हमेशा यही देखने को मिलता है। बस आपसे इतना कहूँगा कि जरा सावधानी बरतें। हालांकि इन चीज़ों का होना या ना होना ये शायद एक संयोग मात्र होगा, मगर कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम जैब है। ये घटना मेरे साथ घटी, एक बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं अक्सर रातों को बाहर दोस्तों के साथ घुमा करता था, कभी कभी तो वक्त का पता ही नहीं लगता था। इसी तरह एक बार की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था। रात का समय था, तकरीबन 11:30 बज रहे होंगे। हम सीधा चौराहे पर जा रहे थे कि अचानक किसी चीज के कि तभी अचानक किसी चीज की चीखने की आवाज आई। वो आवाज इतनी तेज थी कि कुत्ते भौंकने लगे। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था, शायद वो कोई लड़की की आवाज थी। ये सब होने के बाद हम सब घर की ओर बढ़े। घर जाते जाते हमने एक गली देखी जो कि बिल्कुल सुनसान थी, एकदम सन्नाटा। देखकर ऐसा लगता था मानो कि जैसे वहां कोई रहता ही नहीं हो, और था भी कुछ ऐसा ही। ना तो कोई वहां रहता था और ना कोई वहां से आना जाना करता था। उसी बीच मेरे एक दोस्त ने कहा कि चलो आओ इसी गली से चलते हैं। उसके इतना कहते ही मैंने कहा कि तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़कर मुझे सबसे आगे चलने के लिए कहा। मैं करता भी तो क्या, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत जिद्दी हैं। मैं ठीक उनसे आगे चलने लगा, लेकिन मेरी जान मेरे हलक में अटकी हुई थी। मैं तो डरा सहमा बस चुपचाप चलता जा रहा था। मैं बस वो गली पार करने वाला ही था
कि अचानक पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वहां कोई नहीं था। मैं अचानक डर से कांपने लगा। मैं ठीक उस सुनसान गली के अंदर वापस आया अपने दोस्तों को आवाज देता हुआ कि तभी किसी की धीरे से बोलने की आवाज आई जो कि कह रही थी, कहां जा रहा है। वो आवाज किसी आदमी या औरत की नहीं थी। मैं बस बिना पीछे देखे जोरों से भागने लगा। मैंने देखा कि सामने से मेरे दोस्त चीखते हुए आ रहे थे। वो ठीक मेरा ही नाम ले रहे थे। उनमें से मेरा एक दोस्त था, अथेश्याम। मैंने जाते ही उसको खींचकर एक थप्पड़ मारा। उसने मुझसे कहा कि क्यों मार रहा है। मैंने गुस्से में सबको उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। मैं भूल गया था कि मेरे साथ उस गली में क्या हुआ था। मैं ठीक वहां से चुपचाप अकेला ही घर चला गया। घर जाकर मैं सीधा सो गया। सब कुछ ठीक हो गया था, पर मेरी आंखें 2:55 पर खुली। उस वक्त मैंने महसूस किया कि कोई तो मेरा कंबल खींच रहा है। मैं एकदम से उठा और मैंने लाइट खोल दी। इसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं लगातार बाहर जाकर बीड़ी पीने लगा। बीड़ी पीते पीते मैंने देखा कि आसमान से कोई चीज आ रही है जो कि ठीक मेरी ही तरफ आ रही थी, बड़ी ही तेजी से। मैं अंदर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये क्या, मेरे तो पैर किसी पत्थर की तरह जम गए थे। वो बड़ी सी चीज मेरे सीने से टकराई। मेरी आंखें फिर दोबारा खुली। मैं एकदम पसीना पसीना हो चुका था। सोचा कि ये कैसा सपना था। मैं कुछ देर बैठा और फिर वॉशरूम चला गया। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। मैं जैसे ही फ्रेश होने के लिए टॉयलेट गया तो अचानक किसी ने बाहर से लॉक कर दिया। मैं ठीक गेट की तरफ चेहरा करके खड़ा था, लेकिन मैं जैसे ही पलटा तो मैंने देखा कि एक किन्नर सफेद साड़ी में मेरे सामने खड़ा था। वो कोई साधारण किन्नर नहीं था। उसकी आंखें ही नहीं थी, लेकिन वो लगातार मुझे ही घूर रहा था। दोस्तों, मेरे पलटने के एक ही सेकंड बाद उसने इतनी तेज चीख मारी कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। भाई ने बताया कि तू टॉयलेट के पास बेहोश पड़ा मिला, और तो और तुझे 4 दिन 16 घंटे में अब होश आया है। उसके इतना कहते ही मैंने भी सब बता दिया, और फिर मुझे मेरा भाई हॉस्पिटल से सीधा मौलवी जी के पास लेकर गया। उन्होंने बताया कि इसके पीछे किसी सुनसान जगह से एक डायन लग गई है। उन्होंने झाड़ फूंक किया और पानी भी पड़कर दिया। बस उसके बाद से ही अभी तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जो वाक्या मेरे साथ हुआ, भगवान ना करे वो किसी को भी देखना पड़े। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी ज़ैब की कहानी। दोस्तों, कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। उम्मीद करूंगा कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम परीक्षित है और मैं अमृत विद्यालय केरला में पढ़ने वाला हूं। मेरी उम्र 13 साल है। बात 4 जनवरी की है। मैं और मेरे दोस्त स्कूल में मैनुअल डे मना रहे थे। उस वक्त रात के लगभग 9 बज रहे थे। मेरे दोस्त अदवे, देवरश और अदितन, इन सब ने सोचा कि हम स्कूल के सबसे ऊपर फ्लोर में जाएं। इस बात के लिए हमने टीचर को मना भी लिया, ये कहकर कि हमें ऊपर टीचर की मदद करनी है। हम सब के सब भागकर टेरेस पर चले गए। हमने बहुत समय वहां गुजारा। समय देखा तो रात के 11:45 हो गए थे। समझ चुके थे कि अब नीचे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन अचानक मेरे दोस्त कि उसने बहुत अजीब सी आवाज़ सुनी। अचानक उस वक्त हमें भी कुछ कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। हम सब ने देर न करते हुए वहां से भागना ही ठीक समझा। नीचे आते समय सबने उस दरवाजे पर देखा जिसमें 4 साल से ताला लगा रखा था। हमने पाया कि उस पर ताला नहीं था। हम सब बेहद डर गए। हमने तुरंत टीचर को ये सारी बात बताई और उन्हें ऊपर लेकर गए, पर उस समय वहां पर ताला था। लेकिन ये क्या, वहां पर ताला जैसा का तैसा ही लगा हुआ था। मैंने देखा दूर कॉरिडोर में एक लड़की खड़ी थी। मैं तो उसी पल वहां पर बेहोश हो गया। दोस्तों, जब मैं उठा तो मैं अदवे के घर पर था। उसका घर स्कूल से बस लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। मैंने उठते ही थोड़ा पानी के लिए पूछा, तब देवदर्श ने मुझसे कहा कि मेरा शरीर पूरा सफेद पड़ गया था।
तुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे तुझे कुछ हो गया है। उसने ये भी कहा कि जब वो मुझे अदवे के घर ले जा रहा था तो रास्ते में एक बाबा ने उससे कहा था कि इसके ऊपर गंगा जल का पानी छिड़क देना, बस उसी की वजह से तू बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, पूरा ठीक होने के बाद 4 या 5 दिन तक मुझे तेज बुखार रहा। डॉक्टर के पास जाने के बावजूद उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सब देखकर देवदर्श रात को अदवे के घर के रास्ते में गया, क्योंकि ठीक उसे वहां पर वही बाबा मिले। बाबा ने घर आकर कुछ मंत्र पढ़े, जिसके 3 दिन बाद मेरा बुखार बिल्कुल उतर गया। बाबा ने कहा कि इसके ऊपर बहुत बुरा साया पड़ चुका था, अगर 2 दिन और बीत जाते तो शायद ये बच नहीं पाता। दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां। मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि अगर आपको ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट्स तो जरूर ही कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं आपका कमेंट्स में हमेशा इंतजार करता हूं। बाकी दोस्तों, जल्द ही मिलूंगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।